चलो नहीं, तो आज का ओके वीडियो है कितना मिशन मजे मंगल के बारे में, के ट्रेलर का। 1 2 3 जब मैं बोलूँगा ना करना। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब बटन के साथ घंटे का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। हो गया ऑन, ऑन हो गया तो करो। चलो मिशन मंगल का आज हम देखेंगे ऑफिशियल ट्रेलर। पहले मैंने टीज़र देखा था, ट्रेलर मैंने देखा नहीं, मैंने तो देखा तुमने हुआ देखा है। है दोनों ने, तो चलो देखते हैं। दोनों फिल्में, एक तो बाटला हाउस और मिशन मंगल, दोनों आ रही हैं 15 अगस्त को। देखते हैं कौन सी मूवी अच्छी है ट्रेलर के हिसाब से। स्टार्ट। ओके स्टार्ट। देयर इज नो साइंस विदाउट एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारी इस एक गलती की वजह से इंडिया का स्पेस प्रोग्राम पूरे 5 साल पीछे चला गया है। स्टार्टिंग में हुआ पता नहीं, मतलब ओरिजिनल स्टोरी का तो मुझे पता नहीं कि पता था कोई नहीं। ओरिजिनल स्टोरी में ये था कि जब पहली बार स्टार्ट कर रहे थे तो रह गया था। नहीं नहीं, ये रहा फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। हमारी हर समस्या की मरम्मत नासा से करवाने जाएंगे तो हम सत्यानासा हो जाएंगे। तेल जब पूरी के लिए गर्म है तो उसको और गर्म नहीं करते, ऑफ करके गैस बचा के पूरियां तलते रहते हैं। इस होम साइंस की टेक्निक से हम लोग मार्स जाना चाहते हैं। तो आज तक दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जो पहले ही कोशिश में मार्स तक पहुंच पाया। सो दे नीड अ टीम फास्ट। ये लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट पे कोई प्लेस नहीं है। मैं यहां नौकरी कर रही हूं, इसके बाद उड़ जाऊंगी नासा। सत्य नासा शादी नहीं हो पा रही है, मंगल मंडा रहा है सर। और ये डिपार्टमेंट मंगल जाने की बात कर रहा है। मुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना था। ये बंदा एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। नर्स का काम क्यों कर रही है? क्योंकि अब शादी। ये तो वो बंदा है। ऐसे मुश्किल मिशन के लिए जवान खून चाहिए सर। चेहरे पे देखो क्या नूर है, रात को क्या चावल प्राइस लगाते हो क्या? बहुत सही एक्टिंग, बहुत अच्छी है। इसलिए करता है पहली बार वी गोना डू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स कैसे फिट। ये साउथ की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। पॉसिबल सर, हमें एक एक्सपीरियंस टीम चाहिए और ये सब तो इसरो में मार्स जाने का एक्सपीरियंस किसके पास है? सही है। 800 करोड़ कहाँ से लाएंगे पैसा? इट्स इम्पॉसिबल। इस ट्रेजेक्टरी में 850 किलो फ्यूल के साथ इट्स इम्पॉसिबल। द चांसेस ऑफ दिस मिशन सक्सीडिंग इज लेस देन 1%। मुझे अभी पता नहीं है कि कैसे करेंगे पर करेंगे करेंगे करना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया से कहो कॉपी दैट। मिशन मंगल बढ़िया है। ट्रेलर तो कैसा लगा? ट्रेलर तो ट्रेलर है, बढ़िया है, कॉमेडी भी है और थोड़ा मोटिवेशन वाला भी है। दिखाया गया कि कैसे उसने पूरी मेहनत करी, जो रिसोर्सेस ना होते हुए भी पूरी कोशिश करी गई है। और ओरिजिनल नाम है जो उसका नाम रखा हुआ है, वो ओरिजिनल जो साइंटिस्ट है ना जो है उसी का उनका नाम है। ये एक चीज बहुत सही करी है कि इन्होंने साइंटिस्टों का नाम थोड़ा सा दिखाया है कि ताकि उनको भी लगे कि हाँ उनकी मेहनत जो करते हैं वो पूरी दिखे भी, ताकि लोगों को पता भी लगे कि हाँ वो लोग बैकग्राउंड में कितनी मेहनत करते हैं। और काफ़ी मतलब करेक्टर भी सही सही वो ले रखे हैं। सोनाक्षी, विद्या, अक्षय, तापसी, उनकी एक्चुअली टीम जो थी ना इसकी मंगल मिशन मंगल मिशन मंगल की मॉम की जो थी टीम, उसकी टीम में मैक्सिमम लेडीज थी और जेंट्स कम थे ओरिजिनल उसी में। और इस बार जो चंद्रयान 2 का मिशन गया है उसकी जो हेड है वो लेडी है। अच्छा ओके, तो मेरे ख्याल है वो विद्या बालन जो ये रोल कर रही है ना वो इस बार अच्छा हेड है शायद उसकी, शायद मतलब मैं उतना श्योर नहीं हूँ लेकिन चलो शायद। दूसरा देखते हैं, अब देखते हैं बाटला हाउस। बाटला हाउस का देखते हैं, बाटला हाउस का देखते हैं।
क्या लगता है दोनों में से? नहीं है। म्यूजिक तो सेम ही दोनों स्टार्टिंग का। नहीं 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 ये भी ओरिजिनल स्टोरी पे वो भी दोनों ही रही। भाई गोलियां गोलियां चली हैं। ये सब तमाशा कैसे हुआ? सर वो सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे और ऑर्डर्स सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने के थे, गोलियां बरसाने के नहीं। दिल्ली का सभी टेकर्स सर्वत्र आए और एक फर्जी एनकाउंटर था। अभी तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सस्पेंड नहीं किया गया है। संजय कुमार इज अ मॉन्स्टर। केके को गोली कैसे लगी? उन लड़कों ने मारी वही आस्किंग मी दैट। जिन लड़कों को आपने मारा वो सारे के सारे स्टूडेंट्स थे? हां बेकसूर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कहा मैंने? बेकसूर नहीं कहा। हमारी पाक किताब में ये लिखा गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो तुम आयम के 100 लोगों ने ये पाक किताब पढ़ी है, बाकी के हमारे 17 करोड़ मुसलमानों को पढ़ना नहीं है। तो गोली लगी थी मतलब ये बच गया था। बाटला हाउस मैटर में मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि तुम्हें प्रेसिडेंस मेडल दिया जाए। केस ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल, सरकार गिर सकती है। पुलिस को मारने के लिए सरकार जो रकम देती है उससे ज्यादा तो एक ट्रैफिक पुलिस हवलदार एक हफ्ते में कमा सकता है। किसे सच सुनना है आपको? एक पुलिस वाले से? कभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी आपने? आपका सच और मेरा सच एक कैसे हो सकता है? आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में सुनना नहीं है ना सर? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा आई हैव नथिंग, नथिंग। सस्पेंड होने के बस इतना करीब हो तो मैं इस केस से जुड़े एक एक को कोर्ट में दोषी साबित कर पाऊंगा। चलिए रिपोर्टर हो गया ये न्यूज वाले, न्यूज वालों को लगता है कि वो भगवान है, अदालत में वो ही है, वो टीवी में वो ही है, आदि चीजें वो करते रहते हैं अपनी तरफ से। उन्होंने मतलब वो प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि नहीं किया है किया, बाद में चीजें गलत निकलती हैं। देश सब एक चुटकी में धुआं ऐसे। वो चुटकी तो शायद पहले कब की बच चुकी है सर। ये वकील है। अच्छा हम सबको सच देखने से इंटरव्यू दे रहा है। मुझे ऊपर को होनी चाहिए, नीचे कर दी। नहीं नहीं वो एक्चुअली है ही उसकी ऐसे मुझे। बटला हाउस सही है ये भी। ट्रेलर तो इसका भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। तो और मुझे लगता है ये दोनों चल जाएंगी, दोनों ही चल जाएंगी। जॉन की मूवी का कहना मुश्किल है कि कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी थी। सत्यमेव जयते आई थी पहले और सारी मूवीज ऐसे ही कर रहा है, मतलब जॉनरी जो रियलिटी पे है उन्हीं पे इस टाइम करने करे जा रहा है मूवी। रियलिटी वाले भी किए टॉपिक पे, मतलब पुलिस के कॉप्स के रोल ज्यादा कर रहा है या रियलिटी बेस्ड जो है वो ज्यादा कर रहा है सीरियस वाले रोल। क्योंकि सर इस मूवी में कॉमेडी वाला पार्ट नहीं है। नहीं कॉमेडी नहीं है बिल्कुल, पूरा सीरियस है। एक्चुअली सारी रियल घटना पे थी और एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सारी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है। मिशन मंगल जो है वो हैप्पी हैप्पी है, ये इंडिया का ब्लैक वो है, ब्लैक पार्ट है। वो हैप्पी हैप्पी इसलिए क्योंकि मिशन मंगल सक्सेस हो गया। चलो सही है, देखते हैं। बाकी मूवी दोनों अच्छी है और दोनों अच्छी है, लेकिन ये ऑब्वियस है। देखो मिशन मंगल ज्यादा चलेगी नो डाउट, क्योंकि उसमें एक तो वो है पॉजिटिव एक तो हैप्पी और एक अचीवमेंट भी है, और उसमें अक्षय कुमार है और देश की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हां हीरोइन है बहुत, और यहाँ पे क्या है सिर्फ जॉन इब्राहिम के और उसके कंधों पे है सारी। जॉन के भी फैन फॉलोइंग काफी है। जॉन को पता है 60-70-80 करोड़ कमा जाएगी तो इट्स गुड, इट्स गुड मूवी। और उसके क्या है उसके 200-300 करोड़ कमाएगी तब इट्स गुड मूवी। अक्षय कुमार तो ऑब्वियसली बात है साल की, और पैसा दोनों का अपनी अपनी फिल्मों में लगा हुआ है। वहाँ अक्षय कुमार उसका प्रोड्यूसर है, यहाँ पे जॉन इब्राहिम उसका प्रोड्यूसर है, तो बस फिर दोनों का पैसा लगा हुआ है। दोनों ये चाहेंगे कि नहीं देखो मूवी तो चलनी है ही दोनों।
तो बढ़िया, ये था हमारा रिएक्शन। सारी कहानी तो आपने सुन ही ली है, तो इसमें पता नहीं कितनी से कहानी मतलब सच है क्या झूठ है, जो हमने तो सुना है देखा है पढ़ा है वो हमने भी बोल दिया है। तो बाकी अगर, तो मूवी आने के बाद ही पता लगेगा कि असली स्टोरी क्या है मूवी के अंदर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें।